गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में मंगलवार को सहारा स्टेट रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी गोरखपुर की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सोसाइटी के प्रबंधन बोर्ड सदस्य धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने प्रबंधन पर आरोप लगाया कि प्रबंधन द्वारा कॉमन एरिया एवं क्लब का व्यावसायिक प्रयोग अवैधानिक तौर पर किया जा रहा है, जिसका सहारा स्टेट रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी विरोध करती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लखनऊ में पदस्थापित सहारा स्टेट का कामकाज देख रहे चीफ इंजीनियर विनोद कुमार सिंह से बात की। उन्होंने बताया कि कुछ लोग विवाद कर प्रबंधन को बदनाम करना चाहते हैं, जबकि प्रबंधन वहां के रहने वालों से मिलकर आपस में मिल बैठकर मामले को सुलझाना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले का हम लोग मिल बैठकर हल निकाल लेंगे। प्रेस वार्ता में सहारा स्टेट रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट लाल वचन यादव सेवानिवृत्त एवं सचिव संजीव प्रकाश दुबे सहित प्रबंधन बोर्ड के सदस्य धर्मेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहारा स्टेट रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रबंध बोर्ड के सदस्य धर्मेंद्र प्रताप सिंह एवं इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए सहारा स्टेट का कामकाज देख रहे चीफ इंजीनियर विनोद कुमार सिंह ने कहा। आज तक सहारा कंपनी प्रशासन में झूठ बोलती रही और कि वो सारे कॉमन एरिया पर उसका अधिकार है। आज सीजीएम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बिल्डर का कोई अधिकार नहीं होता है। अपार्टमेंट एक्ट के धारा 25 में सेक्शन 25 ए में बिल्डर का कोई अधिकार नहीं होता है। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन रहवासियों का अधिकार होता है और उनके द्वारा गठित की गई अपार्टमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रित सोसाइटी का अधिकार होता है। और जो भी वहाँ के बिल्डर ने ऐसा कृत्य किया है कि उसने सारे कॉमन एरिया को लाइसेंस पे एक व्यक्ति को लीज पर दे दिया है, लाइसेंस पर व्यापार करने के लिए दे दिया है, उसमें बियर बार का लाइसेंस दे दिया है, जितने पार्क हैं उनमें शादी ब्याह करा करके व्यवसायीकरण करने का लाइसेंस दे दिया है। इसके विरोध में हम लोग ACGM न्यायालय में हम लोगों ने अपनी दरख्वास्त डाली थी। कल फैसला आ गया ACGM न्यायालय के यहाँ से कि वीके सिंह और फूलचंद मिश्रा जिन्होंने लाइसेंस देने का कृत्य किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का आदेश आया है। हम लोग लगभग 2005 से सहारा में रह रहे हैं। हम लोगों पर OTM के नाम पर वन टाइम मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपया सहारा कंपनी ने लिया और लगभग 5 सालों से सहारा कंपनी यहां से पलायित कर गई। वहां उन्होंने हमारे को कोई भी मेंटेनेंस के नाम पर सहारा आज कंपनी कोई भी मेंटेनेंस नहीं करती है। हम रहवासियों ने आपस में मिल करके सब लोगों ने मिल करके एक सोसाइटी का फॉर्म किया। आज वो सोसाइटी हमारी अपार्टमेंट 2010 में रजिस्टर्ड है और उस अधिकार के तहत हम गए थे न्यायालय में और न्यायालय ने हमको पूरा न्याय दिया। विनोद कुमार सिंह, मैं लखनऊ में बैठता हूँ, मैं चीफ इंजीनियर हूँ और मैं शुरू में प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था गोरखपुर सहारा स्टेट से। स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो मैं वहाँ पे इंचार्ज था इसका। ये करीब 2015 तक हम लोगों ने इसको चलाया, यहाँ पे गोरखपुर सहारा स्टेट क्लब को मेंटेन किया वहाँ पे। बट वहाँ पे क्या हुआ कि लोग मेंटेनेंस वहाँ पे लोग नहीं देते थे। अब बिना मेंटेनेंस के करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था हम लोगों के लिए, क्योंकि कंपनी में फाइनेंशियल उसमें थोड़ा सा परेशानी आ गई थी, तो थोड़ा सा हम लोगों ने मेंटेनेंस कमी की। तो वहाँ के लोग कुछ लोगों ने मिलकर विरोध किया और पूरे उसको अपने कब्जे कर लिया, पूरे सोसाइटी को, पूरे एक तरह से टाउनशिप को। और उन्होंने ये कहा कि अब हम चलाएंगे इस चीज को, अब आप मत चलाइए क्योंकि वो सुविधाएं अब नहीं दे पा रहे जो पहले देते थे। तो वो लोग वहां पर कुछ ग्रुप बनाकर करने लगे और हम लोगों ने वहां पे बाकी सुविधाएं जो मेन सुविधाएं थी बहाल रखी, जैसे स्टीपी हम लोग चला रहे हैं वहां पे या पानी का बिल हम लोग दे रहे हैं वहां पे, जो करते रहे सिक्योरिटी हमारे जो गार्ड थे वो जो पहले चल रहे थे वही चलते रहे। उन लोगों ने वहां पे सफाई का काम उन्होंने ले लिया, सफाई करते रहे और क्लब की बुकिंग उन्होंने करनी शुरू कर दी और क्लब की इनकम से वो लोग वहां पे कुछ करने लगे वहां पे। बट हमें ये बीच बीच ये पता चला कि क्लब में वो लोग पैसा कमा रहे हैं क्योंकि उसका वो हिसाब किताब नहीं होता था। वहां के कई लोगों के हमारे पास आए कि साहब आप इसको चलाइए, आप देखिए, और यहाँ पे क्लब को गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। तब हम लोगों ने क्लब को बिना कैडर्स, वहीं के रहने वाले, अंदर के रहने वाले लोग हैं, उनको लाइसेंस दे दिया 3 साल के लिए, लाइसेंस दिया चलाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने उनकी तरफ से अभी कोई रिक्वेस्ट डिटेल में नहीं आई थी कि सोसाइटी हमको हम सोसाइटी बना ली है, हमको हैंड ओवर कर दिया जाए यहाँ के मेंटेनेंस से रिलेटेड चीजों को। कोई रिक्वेस्ट नहीं आई वहां से और ना ही कंपनी को कोई लिखा उन्होंने, आज तक कोई पत्र नहीं लिखा उन्होंने।
इस बारे में, तो हम लोगों ने उसको दिया लाइसेंस से दे दिया सारे, तो उनको विरोध उनका होने लगा, उन्हें विरोध होने लगा कि लगा कि इनको एक इनकम का जरिया है उनका खत्म हो जाएगा। तो और इसको लेकर के इन्होंने जीडीए ने एक एप्लीकेशन दिया और जीडीए ने एप्लीकेशन को जांच के बाद हम लोगों ने वापस से चले जीडीए ने, इन्होंने एप्लीकेशन को जीडीए ने खारिज कर दिया। उस जीडीए के एप्लीकेशन के अगेंस्ट में जो खारिज किया वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से मेरी अपील खारिज हो गई। फिर कुछ समय बाद उन्होंने दोबारा उस अपील में फिर दोबारा गए हाईकोर्ट में और दोबारा किया। उसके बाद में हमारे चेयरमैन के अगेंस्ट में सिविल कोर्ट में भी एक दाखिल की कि क्लब हमारा है, क्लब को रजिस्ट्री कर देगी। उन्होंने एप्लीकेशन ये लिखा, आप देखिएगा उसमें इनकी जो सिविल कोर्ट में जो अपील दाखिल की है कि क्लब इनके नाम कर दिया गया है, रजिस्ट्री कर दी गई। वहां पे दिलीप मिश्रा सचिव थे, उन्होंने डाला इस चीज को कि क्लब की रजिस्ट्री हमको कर दी गई है। उस चीज पे हम लोगों ने दाखिल किया हुआ है, जब आपने दाखिल किया उसको कोर्ट में करना चल रहा है। फिर ये हाईकोर्ट में फिर से एक अपील जो लगाए हैं उसमें इन्होंने ये किया कि प्रशासन को जो जांच के लिए दिए थे वो जल्दी से जांच कराई जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री सिंह का पूरा दल मिला था ग्रुप मिला था करके, मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट की थी यहाँ के चीजों को लेकर जो उन्होंने लाइसेंस पे दे दिया है उसकी जांच करा ली जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने जांच वो डीएम को दी थी, तो डीएम साहब ने सिटी मजिस्ट्रेट से जांच करा ली है और वो जांच जो है कंपनी के फेवर में है, ये कि क्लब पे इनका कोई मालिकाना हक नहीं है। क्लब की जांच की, क्लब के लिए एप्लीकेशन दिया था और बाकी उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिखा था कि वहां पे मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं कंपनी, हम करना चाहे नहीं करना, इस बारे कोई जिक्र नहीं था उनका। सिर्फ क्लब को लेकर ही जो सारी लड़ाई चल रही है, सिर्फ क्लब को लेकर ही चल रही है, बाकी मेंटेनेंस को लेकर कहीं नहीं मामला उठाते ना। आज तक कंपनी को पत्र लिखा है इन्होंने, ना हम वहां गोरखपुर जाते हैं कोई मिलना होता है। मैं अभी गोरखपुर गया था तीन चार दिन बाद, इस समय सोसाइटी में क्या लाल बच्चन यादव है, उनसे कई बार कॉन्टेक्ट करने प्रयास किया बट वो मिलने नहीं आए। एक बात आप कह रहे हैं कि आप सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं लाल बच्चन यादव जी, और उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो 2005 2006-07 में उनका रजिस्ट्रेशन है, तो आप कैसे कह रहे हैं आपको जानकारी कब हुआ ये? किस बात की जानकारी? सॉरी, रजिस्ट्रेशन 2006-07 का रजिस्ट्रेशन है ये 2015 में हम लोग को जानकारी है, जब इन लोगों ने शुरू कर दिया वहाँ पे काम करना, तो हमारी जानकारी में है कि सोसाइटी वहाँ पे बनी हुई है और वहाँ पे काम कर रहे हैं। इसकी सूचना कंपनी को नहीं दी इन्होंने, इन्होंने बीच बीच में एक आध लेटर जूल लिखा कि हम ये सुविधाएं दे दी जाए। उन्होंने कहा कि हमको वहाँ पे कार लगा दिया जाए या हमको एम्बुलेंस दे दी जाए, बट इन्होंने ये नहीं कभी कहा कि हमको हैंडओवर कर दिया जाए सुविधाएं वहाँ की, हम करना चाह मेंटेनेंस करना चाह रहे हैं, ये इन्होंने कभी आज तक लेटर नहीं लिखा ना, दिखा सकते हैं उस चीज का नहीं। उसकी बात नहीं, जब कोई भी लेटर उन्होंने लिखा तो सारा स्टेट रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी गोरखपुर के नाम से पैड पर लिखा होगा ना? जी जी। तो इस जो पैड पर लिखा होगा तो आपको जानकारी तो हुई होगी, तो ये कैसे ये कैसे कॉमन चीजों यूज की चीजें कैसे मांग सकते हैं? ये देखिए मांग नहीं, इन्होंने क्या किया वहाँ पे मेंटेनेंस करने लगे, देखिए मेंटेनेंस कम आ रहा था वहाँ पे, मेंटेनेंस को दे नहीं रहा था तो वहाँ पे सफाई काम करने लगे ये। अब बाकी इनको लगता था कंपनी पेमेंट कर ही रही सारी चीजों का, इनको कोई परेशानी थी नहीं, अब क्लब पे अपना अधिकार जमा रहे थे ये उसके बदले में, सिर्फ सफाई का अधिकार करके क्लब पे अधिकार जमा रहे थे। कंपनी को ही से डिस्प्यूट हो गया उस चीज को लेकर के, हम लोग भी उसमें गए कोर्ट में गए कि बिजली कनेक्टर ने उन्हें कैसे ले लिया इस चीज पे, तो गलत तरीके से दिखा करके बिजली का कनेक्शन आज में कोई ले लेता प्रीपेड मिल जाते हैं वहाँ पे, तो वही चीज को दिखा करके कोर्ट में गए कि हमारा वहाँ कनेक्शन वहाँ पे है। बट रिटर्न में आज तक हमने किसी को क्लब को हैंड ओवर नहीं किया है अब तक, सिर्फ अभी लाइसेंस हमारा हुआ है बिना ट्रेडर्स का तीन साल के लिए, वही हमने दिया है क्योंकि वहाँ सुविधाएं लोग नहीं मिल पा रही थी। हमारे ताराशी जी की सोच थी, कब से दिया आपने बिना ट्रेडर्स को? बिना ट्रेडर्स को भी ठंड होगा नहीं हो पाया, अभी हम लोगों ने मार्च में शायद मार्च अप्रैल में किया हमने। अच्छा, ये बताइए, ये बताइए कि इन्होंने ओटीएम करके करोड़ रुपया जमा कराए हैं सारा, इसके बारे में बताइए। इसका हाईकोर्ट में ले गए हैं, हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा, जो भी डिसीजन होगा अगर उसको दे दिया जाएगा, बट इसके बारे में हमें ये कहना है क्योंकि मेंटेनेंस नहीं मिला वहां से किसी से एक पैसे का, तो कंपनी अपने फंड से करती रही, तो कंपनी ने वो उसी फंड से मेंटेनेंस किया, जो फंड हमारे पास जमा था, जो मेंटेनेंस के मध्य फंड जमा था उससे मेंटेनेंस करती रही। उसके अलावा कंपनी का 7-8 करोड़ अलग से खर्च हुआ, फिर भी कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा हमें मान्य होगा। कोर्ट कहती है मैं ओटीएम देना है, हम भी अपना पक्ष रखेंगे, डिसीजन आया तो दे देंगे। अच्छा, एक इन्होंने ये कहा है यदि कंपनी पूरे आवासीय परिसर का मेंटेनेंस करती है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कंपनी का ध्यान सिर्फ पार्क, बियर बार, क्लब
और अन्य खुले क्षेत्रों पे है जी, इसमें क्या जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी आज ही तैयार है करने के लिए, बट ये लोग करने नहीं देते हैं। हमारे आदमी जाते हैं तो गाल लगकर भगा देते हैं ये लोग, क्योंकि मंशा हमारी कंपनी को वहां पर स्थापित करने की नहीं है। ये चाहते हैं कि कंपनी वहां किस तरह स्थापित हो सके। ये लोग कुछ लोग का ग्रुप है जो डरा धमका कर भगा देता है, और कुछ लोग गुंडे सबके लोग भी उसमें है जो नहीं चाहते हैं कि कंपनी वहां पे लगे या काम करे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, क्योंकि उसकी अच्छी टाउनशिप बनी हुई है तो मेंटेन करना खुद चाहते हैं। हम वहां पे क्लब इसीलिए भी है कि सुविधाएं मिल सके, और हम करेंगे आज हम करवाते हैं ऑर्डर देंगे करने के लिए करेगा। आज हम चाह रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलती रहे। मैंने ये भी लिखा है कि आप लोगों ने नगर निगम को क्लब को सपोर्ट करने के लिए आश्वासन दिया था, लिखा है करार में लिखा। नहीं, नगर निगम में देखिए जब चीजें हैंडओवर होती हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया इसका, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा नहीं है। अभी प्रोजेक्ट पूरा होता है कंप्लीशन में जाते हैं। सर देखिए, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम सारा वासियों के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि वहाँ पे समुचित वहाँ पे मेंटेनेंस हो वहाँ पे पूरी तरीके से, और पूरी कोशिश करेंगे सुविधाएं वहाँ के लोग मूलभूत सुविधाएं कम से कम वो मिले जो अब तक लोग नहीं मिल पाई है उनको, और हम चाहते हैं करना वहाँ पे तो कर दे दिया जाए हमको। आज जो सोसाइटी है उनसे भी मेरा अनुरोध है कि साथ दें और आप मिल बैठ के रास्ता निकालें, हम लोग इसमें कि उनके हित में काम कर सके, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ लोग छोड़ें और इसमें वहाँ के लोग हित में जुड़े, वहाँ के लोग हित इसी में है कि वहाँ मेंटेनेंस मिल के करें। और कोई अगर किसी बात का विरोध है तो साथ बैठे हो, साथ बैठ तो उससे निकलेगा, इसका रास्ता निकलेगा।